हेलो 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 एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने शुरुआत की है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की, जिसका कि ये थर्ड एपिसोड है। और इसके अलावा अगर आपने पहले तो एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज टू वॉच इट, वो चैनल पर ही है। एंड उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर एक न्यू वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है और वो है हमको फाइंड आउट करना है काफी सारा आयरन, बिकॉज हमको चाहिए आयरन काफी सारी चीजों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको एक आर्मर बनाना है, बिकॉज आप देख पा रहे हो हमारे पास ये आर्मर है बट गोल्डन का है और ये गोल्डन वाला इतना अच्छे से टिकेगा नहीं, तो आयरन का आर्मर बनाना है। और उसी के साथ हमको करना है डिप डाउन और डायमंड के लिए। तो उसके लिए वाई लेवल जीरो के नीचे ना न्यू ब्लॉक्स हैं, वो टफ ब्लॉक्स, वो काफी ही ज्यादा टफ हैं जैसा कि नाम है, तो उसको माइन आउट करने के लिए आयरन चाहिए। एंड उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट काम करना है आयरन का आर्मरमेंट का, वो की है इस पिलेजर पोस्ट को रेड करना। अभी मैं काफी डर डर लग रहा है जाने में, फेल वेल देंगे ऐसे पिलेजर्स। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोना। तो अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पहले एक आयरन इकट्ठा करते हैं, साथ में बनाते हैं एक आर्मर और फिर हम इन पिलेजर को फोड़ते हैं, नहीं तो वो मेरे को फोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। और उसी के साथ पिछले एपिसोड में हमने अपने फील्ड बनाए थे जिसमें हमने ग्रो किए थे वीट, और काफ़ी सारा वीट ग्रो हो चुका है और हमने यहाँ पे दो फील्ड बना लिए थे 9x9 के। और उसी के साथ हमने क्या किया था, अपने लिए इकट्ठे किए थे काउस और इनको करना किया था ब्रीड। और इसी के साथ हमारे पास चिकन भी हैं बट अभी शीप के लिए खाली है, तो शीप मिली नहीं थी लास्ट एपिसोड में, देखेंगे अभी मिलती है कि नहीं, तो उनको भी इकट्ठा कर मतलब एक जगह पे ला के रखते हैं और उनको भी हम क्या कहते हैं अपना इधर पालेंगे, बिकॉज हमको चाहिए फूड, तो ये फूड सोर्स के लिए अच्छे हैं। उसी के साथ ये अपना वीट भी पक गया है, तो जो जो पक गया ना इनको कर लेते हैं इकट्ठा। अरे यार ये फालतू दूसरा भी हो गया, चलो कोई नहीं, वो एक करता हूँ दो दो हो जाते हैं, इतना कौन सा पावरफुल है। ये सीड यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ जहाँ पे ये खाली हो गया है, तो ये आई गेस हो चुका है। और इसी के साथ अपनी ये जो काम है ना इनको फीड कर देते हैं ताकि ये क्या हुआ, पेट भरा हुआ है क्या सबका, कोई नहीं खा रहा है। तो अपने चिकन को खिला लेते हैं भाई। किधर है इसका रास्ता, रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता है भी या नहीं इसका, आई गेस रास्ता ही नहीं बनाया मैंने। अच्छा है ये रहा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंडे भी इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ ये खा रहे हैं भाई, अभी नहीं खाएंगे मेरे को लगता है, कोई बात नहीं बाद में खिलाएंगे। तो ये वेट भी ग्रो हो चुका है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये सीड को लगा देते हैं फिर यहाँ पर और इसको भी यहाँ पर। तो अभी अपनी इन्वेंट्री भी ना ठीक है, इसमें काफ़ी आइटम है, इसको कर लेते हैं खाली। इसमें सीड की जरूरत नहीं है, सैपलिंग्स नहीं चाहिए, एग भी रख देते हैं वापस वापस से सैपलिंग रख देते हैं, ये फेंसेस वगैरह भी नहीं चाहिए, फूड भी नहीं चाहिए, इनको भी रखे देते हैं, कुछ खास ज़रूरत नहीं है अभी इनकी। और ये वीट की भी जरूरत नहीं है, खाना चाहिए। तो अपन ना बकेट खाली, इसमें पानी भी डाल लेते हैं और उसी के साथ अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो वाई लेवल 15 पे जाके हम करने वाले हैं माइनिंग, क्योंकि वाई लेवल 15 पे ही सबसे ज्यादा आयरन होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल इस 1.18 जो भी वर्जन है गेम का 1.18। तो चलिए उससे पहले ना अपन एक क्राफ्टिंग टेबल और बना लेते हैं, नीचे एक जगह बनाएंगे वाई लेवल 15 पे जाके, तो वहां पे हम चेस्ट रख देंगे, तो वहां पे डंप करेंगे अपना मतलब जो भी इकट्ठा होगा आइटम। अपने पास अभी 3 पिकैक्स हैं, तो पिकैक्स भी नीचे बना लेंगे जाके और वहां पे बना लेंगे अपन चेस्ट भी। तो पहले एक ना हाँ ये पिकैक्स रख लेते हैं यहाँ पर आसपास, ये भी यहाँ पर रख लेते हैं, ये फूड इस कॉर्नर पे ठीक है। और टॉर्चेस कितनी, 14 टॉर्चे हैं, टॉर्चेस बना लेते हैं और ज़्यादा तो रखते हैं यहाँ पे ये, और कोल से बना लेते हैं टॉर्चेस जितने भी बन पाए। तो एक स्टैक और एक लगभग लगभग आधा स्टैक और बन गया है, तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। तो अपने को जाना है वाई लेवल 15 पे, तो चेक करते हैं ये कौन सा है, 32 आसपास कोई केव है शायद, कोई नहीं इससे नीचे ये है 15, तो यहीं पे हम ना बना लेते हैं अपने लिए। तो ठीक है
तो यहीं पे माइन करके ना, इसी लेवल पे हमको माइन करना है, तो ये दो ब्लॉक ऐसे माइन करके जगह बना लेते हैं। तो इसी में एक हम अभी स्ट्रेट माइनिंग करेंगे। कोई बात नहीं भाई, अभी थोड़ा आर्मर वार्मर आ जाते फिर बताता हूँ तेरे को। ये ऊपर है कि नीचे है? इस साइड में। चलो कोई नहीं, अभी तो स्केलेटन की आवाज भी आ रही बीच में, टच कैसे हड्डी सी का। कोई इतना स्पेस अभी के लिए काफी है गैस। ठीक है, हाँ इतना स्पेस काफी है। तो यहाँ पे रख देते अपनी क्राफ्टिंग टेबल, उसी के साथ एक आधी टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, और इस पर बना लेते हैं अपन चेस्ट अभी दो, और जितना भी अपने पास आइटम है ना सब रख देते हैं सिवाय सिर्फ पिकेक्स के। ठीक है, दो बना ली और इसको रख देते हैं एक यहाँ पे और दूसरी भी यहीं पे। तो स्टोन वगैरह तो हमें नहीं जाएगा, वुड भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, ये भी नहीं चाहिए। आयरन अभी इतना है नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। चारकोल भी रख देते हैं वापस से, ये फिर से ऐसा लग रहा है आसपास ही है, पर कोई नहीं। क्या अभी रुको, पिकैक्स की भी जरूरत नहीं, इस पर भी रख देते हैं। टॉर्चेस चाहिए, अरे टॉर्चेस नहीं जाना चाहिए, टॉर्चेस चाहिए एंड बाकी सब आइटम पड़े रहने देते, कोई नहीं। तो अपन माइनिंग ना यहीं से इधर से सीधा के चलते हैं, अभी इसी दो ब्लॉक्स में माइनिंग करनी है, तो होपफुली हमको आयरन मिल जाएगा काफ़ी सारा। Thank you.
तो गाइस फाइनली बहुत ही लंबी माइनिंग सेशन के बाद हमको मतलब काफ़ी आयरन मिल ही चुका है, जो कि अभी हमारे पास है 55 रॉ आयरन और इसमें दो आयरन इनकट हैं जो स्मेल्ट हो चुके हैं, इनको भी स्मेल्ट कर लेते हैं फिर। तो एक ना एक और बना लेता हूँ इसके साथ ही, एक और फर्नेस बना लेते हैं तो आधा आयरन स्मेल्ट कर लेंगे। अभी तो जुबान भी लड़खाने लगी, इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसमें। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो अपना ये फर्नेस भी रखे थे यहाँ पे और इसमें से आधे निकाल के इधर रखते हैं और आधे डालते हैं, मतलब ये कंप्लीट डालते हैं इधर और इसको भी स्मेल्ट कर लेते हैं। और साथ में ना एक और फर्नेस बना लेता हूँ जिससे अपना क्या कहता है अपना रो कॉपर, उसको भी स्मेल्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए ठीक है एक और फर्नेस, और इस फर्नेस को इसको ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, इसमें डाल देते हैं ये और ये इधर गए। तो अपना आयरन स्मेल्ट हो रहा है और उसी के साथ कॉपर भी स्मेल्ट हो रहा है एंड इधर भी काफ़ी आयरन है। तो पहले अपना ये इन्वेंटरी खाली कर लेते हैं, काफ़ी आइटम ऐसे अभी इसमें। आयरन भी ले लेते हैं और अभी बनाना शुरू करते हैं हम इससे अपना आर्मर। तो ये 9 यहाँ से उठा लेते हैं, 15 यहाँ से। तो बना लेते हैं अपना पहले चेस्ट प्लेट। तो चेस्ट प्लेट बनाने के लिए ये एक बन के चेस्ट प्लेट और एक हेलमेट चेस्ट और लेगिंग्स बनाने के लिए आई गेस ऐसे और ऐसे इसको उठा लेते हैं यहाँ पे। हाँ एक बन गई लेगिंग्स, अभी क्या रहेगा चेस्ट प्लेट लेगिंग्स शूज मतलब बूट्स, और बूट्स बना लेते हैं अपन ऐसे, एक बन गया बूट। तो इसको पहन लेते हैं अपन यहाँ पे। मैं नहीं बताऊंगा, चल ऐसे नॉर्मल पहन तरीके से पहन लेते हैं। ये पहन लिया, ये आ गया अपना लैगिंग और ये आ गया अपना हेलमेट। तो भाई साहब प्रोटेक्शन तो अभी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अपना आयरन और स्मेल्ट हो रहा है, इसको भी ले लेते हैं भाई, और इन आयरन से बनाएंगे अपन पिकैक्स। तो चलिए अभी ऊपर चल के देखते हैं, अंधेरा है क्या ऊपर। एक ना स्वॉर्ड और वो भी बना लेते हैं, स्टिक्स को रखते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर। तो अपने पास ना भी एक स्वॉर्ड बना लेते हैं इसे, नहीं इससे नहीं नहीं बनेगा, ये यहाँ पे रखने पड़ेंगे और एक यहाँ पे एक पन की स्वॉर्ड। ये अपने पास वो तो है ही मतलब शवल है, तो अभी के लिए काफ़ी है। इनको स्मेल्ट होने देते हैं और ऊपर चल के देखते हैं क्या हालात है। अभी काफ़ी टाइम हो गया सोए हुए भी, तो अगर रात हुआ ना तो देखते हैं फैंटम भी बुरी हालत कर देंगे। तो देखते हैं अभी अगर नाइट नहीं हुई ना, लावा पूल हमेशा डरा देते हैं, तो डे लग रहा है गेस। तो चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या सिस्टम है। बारिश चल रही है, सो सकते हैं लो पर। अभी प्रोटेक्शन अपनी हो चुकी पूरी और ये तो इधर रेन हो रहा है, तो कोई बात नहीं अभी सो नहीं सकते। तो इधर शीप तो अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है, चिकन विकन तो है ही, अपनी क्रॉप भी काफ़ी हद तक ग्रो हो चुकी है। तो जो जो ग्रो हो चुका है उनको काटें या वेट करते अभी थोड़ा और। हाँ तो अभी अपने ना जो एनिमल्स हैं उनको फीड कर देते ताकि वो और ज़्यादा अपनी क्या कर पाए ब्रीडिंग कर लें। तो चलिए अंधेरा आने से पहले ना उनको ब्रीडिंग करवा देते। ये लो खा लो वेट खा लो भाई। हाँ एक तू मतलब जो भी खा रहा सब ने खा लिया क्या? हाँ कोई नहीं बचा। हाँ अभी बारी है चिकन की,
तो चिकन के लिए इधर चलते हैं अपन अंदर और इनको करते हैं फील। भाई आ जाओ, जिस जो जो रह गया है सब खा लो भाई, कोई रह गया नहीं तो ये साथ में अंडे भी इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर यहाँ से भी, तो इधर आसपास शीप तो अपने को कहीं पे भी नहीं दिखने वाली। अभी आई गेस काफ़ी सारा अपन ने इन घोड़ों वाले को मार देते हैं यार, इधर है क्या शीप, शीप मिल जाए तो अच्छा काम हो जाए। शीप दिख नहीं रही है, थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं वहाँ पे मिलेगा तो, पर पहले इस ये बारिश निकल जाए। नहीं है तो पता नहीं अभी टाइम, इन द सेंस कि ये बारिश मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जल्दी जल्दी अभी हो कितने डे अपना। अभी प्रोटेक्शन वगैरह आर्मर वगैरह पूरा आ चुका है, उसी के साथ अब देखते हैं उस उनका भी बुरी हालत करेंगे अपने विलेजर्स की भी। हो जाए डे भाई हो जाए, खाने के लिए तो अभी काफ़ी आइटम है ही, तो कोई इशू नहीं। तो अपन क्या करते हैं, चिकन विकन आस पास है तो मार के देखते हैं कि भाई क्या तो शीप भी स्पॉन हो जाए। ये अभी और तो खा नहीं पाएंगे, है कोई? हाँ बेबी बनाओ भाई। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। अच्छा 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 कौन खाने वाला है? अभी तो वही नॉर्मली वही खा रहे, इनमें से भी नहीं कोई खा रहा तो कोई नहीं। अरे यार ये बारिश कब बंद होगी और कब शाम होगी, कब से ऐसे ही घूम रहा हूँ। हाँ जल्दी से नाइट हो जाएगा, नाइट क्या करते हैं, अपने पास ना शुगर केन भी है तो वो इसके आसपास लगा देते हैं तो होता रहेगा, काफ़ी काम पड़ता है शुगर केन का भी। चलो सही है, शुगर केन भी ग्रो हो जाएगा इधर से अपना। अभी दिन शुरू ही हुआ था, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको तो मेरे लिए। तो अपना बेड लेके ना नीचे चलते, देखते अपना आयरन भी स्मेल्ट हो रहा होगा तो स्मेल्ट हो जाता है, वहीं पे नीचे ही रात को डे में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। तो अब ही अपन पहुंचने वाले हैं अपने नीचे वाले बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट तो नीचे वाले जाते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। तो नीचे वाली जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। तो अपना आयरन स्मेल्ट हो चुका है, यहाँ से 6 और मिल गया 25 हो गए, 8 यहाँ से और 33 हो गए। अच्छा ये केव से ही है, और अपना कॉपर इनगट भी स्मेल्ट हो चुके हैं एंड और कुछ तो नहीं है ना स्मेल्ट करने के लिए। नहीं ये अपना एक्स भी रख लेते हैं अपने पास ही, ठीक है। अपन लैपी से 32 है और ऊपर भी पड़ी आएगी आई गेस सभी के लिए तो, लेकिन ओनली स्लीप एट नाइट और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अच्छा यहाँ पे अभी तो ये सोने भी नहीं देंगे ना, अरे यार इधर जाना पड़ेगा। इनकी आवाज़ से सो भी नहीं पाएंगे, मेरे को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वही हो रहा है। चलो देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, अपनी वुड वुड तो उठा ही लेते हैं, बट वुड की ज़रूरत तो पड़ेगी, माइनिंग वाइनिंग करने जाएंगे ना तो वुड चाहिए होगा। कोई नहीं पड़ा रहने देते, कुछ आधा ले लेते हैं ऊपर रख लेंगे काम आ जाएगा, ठीक है। अभी यार इधर जाके सो सकते हैं। चलो अभी बारिश बंद हो जाएगी कम से कम, ठीक है। अभी अपन आए थे इधर से, अभी अपन चलते ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं है और अपने पास कोयला है ना काफ़ी, नहीं कोयला इतना ज़्यादा नहीं है, ये चारकोल ले लेते हैं यहाँ से।
और शीट कोयला भी यहाँ से ले लेते हैं। हाँ अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ब्लू ब्लू। यहाँ पे भी स्टेयर्स लगानी पड़ेगी, काफी दिक्कत हो जाती है। स्टेयर्स बना लूंगा लास्ट नेक्स्ट टाइम से। कोई भी नहीं है यहाँ पे, लगा देते अपना बेड। तो चलिए गाइस, आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो कंप्लीट हो चुका है। और उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, और साथ के साथ कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ बताना है। एंड उसी के साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज डू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए एंड दूसरी वीडियोस भी देखिए। टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं उस विलेजर पोस्ट को रेड और देखते हैं उसके आसपास क्या है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो, तो आज की एपिसोड का मेन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज हमको फाइंड आउट करना है। तो आज की वीडियो का स्केलेटन की आवाज भी आ रही बीच में। आयरन अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ब्लू 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 ब्लू।